नमस्ते दोस्तों, क्या आपके अंदर बचपन से लेकर अभी तक कभी ना कभी ये क्वेश्चन नहीं आया है कि भगवान, गॉड या अल्लाह आखिर है कौन और ये रहते कहाँ हैं? ये क्वेश्चन आया जरूर होगा, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन के साथ ज्यादा रुकते नहीं हैं। और जो लोग थोड़ा सीरियसली इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि भगवान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी दर्शन दे देते हैं, लेकिन क्या वाकई उस ईश्वर को समझ पाना और उसका एक्सपीरियंस कर पाना इतना मुश्किल है, या उसे मुश्किल बना दिया गया है? और क्या भगवान तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता या प्रोसेस है, या फिर हमें किसी रास्ते पर चलने की जरूरत ही नहीं है? जानते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में। इस दुनिया में आज जितने भी धर्म फॉलो किए जाते हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स पास्ट में हुए ऋषियों, सेंट्स या पैगंबर की बातों पर बेस्ड है। इनमें से अगर हम हिंदू या सनातन धर्म की बात करें, तो यहाँ भगवान तक पहुँचने के लिए न जाने कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स के बारे में बात की गई है। कुछ लोग भगवान को साकार रूप में मानकर मूर्ति पूजा करते हैं, तो कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इतनी अलग अलग बातों की वजह से हमारे अंदर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है कि भगवान आखिर हैं कौन और क्या उनसे मिलना पॉसिबल है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद को और उस परमात्मा को जानने के लिए चार तरह के योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। वीडियो में आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने पर ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन चारों योगों का ऑब्जेक्टिव और एंड रिजल्ट एक ही है। शुरुआत करते हैं भक्ति योग से, जिसमें भगवान को साकार रूप में मानकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है कि हम इतने सारे भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इमेजिन कीजिए कि अगर आपको नेचर या यूनिवर्स के ईश्वर के साथ रिलेशन को समझना है, तो आप इसकी शुरुआत किस तरह से करेंगे? इसलिए इस यूनिवर्स को बनाने वाले को हमने ब्रह्मा का नाम दिया। लेकिन ये यूनिवर्स बनने के बाद एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी करता है, तो इस यूनिवर्स को चलाने वाली शक्ति को भगवान विष्णु के रूप में पूजा गया। जो भी चीज इस नेचर में पैदा होती है वो मिटती भी है, और ईश्वर के इस मिटाने वाले रूप को हम सब भगवान शिव के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या ये सब भगवान ठीक वैसे ही हैं जैसे आपने कई धार्मिक टीवी सीरियल्स में देखा है या कई पौराणिक कथाओं में पढ़ा है, या फिर इसके पीछे गहराई में बात कुछ और भी है? इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में क्लैरिटी मिल जाएगी। सनातन धर्म में त्रिदेवों के अलावा भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा करने के हमारे दो पर्पस हो सकते हैं। पहला पर्पस कि हमें इस दुनिया में कुछ अचीव करना है। जैसे पुराने समय में जब बच्चे पढ़ाई करते थे, तो उन्हें पहले सरस्वती वंदना कराई जाती थी, ताकि उनके अंदर माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी के रूप में मानकर एजुकेशन को रिसीव करने की इच्छा को बढ़ाया जा सके। इसी तरह अगर आपको इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, तो गणेश जी की, पैसा कमाना है तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि आज हमारी पूजा करने की विधियां तंत्र पर बेस्ड हैं, जिसकी शुरुआत 3rd या 4th century के आसपास हुई थी। मूर्ति पूजा करने का दूसरा पर्पस है मोक्ष, यानी भगवान को प्राप्त करके पूरी तरह से फ्री हो जाना। ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है, जिसका असली पर्पस बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भक्ति योग में मूर्ति के रूप में भगवान के साथ अपने इमोशंस को जोड़कर अपने ईगो को सरेंडर करने के बाद माइंड को पूरी तरह से थॉटलेस या खाली किया जा सकता है, जिससे हम ईश्वर के उस असली सच का एक्सपीरियंस कर पाए, जिसे ओम, अनाहत नाद या साउंड ऑफ साइलेंस कहा जाता है। भक्ति योग में सगुण यानी भगवान को साकार रूप में पूजा करते हुए निर्गुण यानी उस निराकार ब्रह्म तक पहुंचना काफी इम्पोर्टेंट है, और यहीं आकर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव को मोक्ष का देवता माना जाता है, लेकिन भक्ति योग में आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं जिनके प्रति आपकी आस्था या जुड़ाव ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में भगवान राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी के मंदिर काफी ज्यादा हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन भारत में हनुमान जी के मंदिर राम जी के मंदिरों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम को साक्षात निराकार ब्रह्म का प्रतीक माना है, और हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। राम, राम,
यानी उनके अंदर भक्त की वो सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसलिए जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो उसका मकसद हनुमान जी से अपनी भावनाएं जोड़कर उनकी भक्ति की क्वालिटीज का कुछ अंश अपने अंदर लाना होता है, ताकि हम भी भगवान तक पहुंच सकें। अगर आपका मकसद भक्ति करते हुए सिर्फ एक पीसफुल लाइफ बिताना है तो आपको शायद निर्गुण या निराकार ब्रह्म को समझना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान के पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई में जाकर समझना चाहते हैं तो आपको वेदांत में बताए गए निर्गुण ब्रह्म के लॉजिक को ना केवल पूरी तरह समझना पड़ेगा बल्कि उसका एक्सपीरियंस भी करना होगा। अद्वैत वेदांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की चेतना यानी कॉन्शियसनेस एक ही है, यानी हम सबके अंदर और इस पूरी नेचर में भगवान एक समान रूप से प्रेजेंट है और इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है। सिर्फ हमारा माइंड और ईगो ही हमें हमारे असली सच को एक्सपीरियंस करने से रोकते हैं, और इसलिए लोगों ने माइंड के ऊपर उठने के लिए भक्ति योग और ध्यान योग जैसे मेथड्स को यूज किया है। जिस तरह से भक्ति योग में हम अपने इमोशंस को यूज करके माइंड को सरेंडर कर सकते हैं, उसी तरह ध्यान योग यानी मेडिटेशन में अपनी अवेयरनेस या एनर्जीज पे फोकस करके माइंड को थॉटलेस किया जा सकता है। अब तक आपको एक बात पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी कि इस दुनिया में चाहे कोई भी धर्म, पंथ या कोई स्पिरिचुअल मेथड हो, सबका ऑब्जेक्टिव माइंड के बियॉन्ड क्या है ये देखना रहा है। लेकिन ये बात अलग है कि इंसान फिर भी अपनी कहानियां और अपने अंधविश्वास वाले लॉजिक अपने अपने धर्मों में डालते हुए आए हैं, और इसलिए हम अपने धर्मों में कही गई असली बात को भूलकर सिर्फ कहानियों में उलझकर रह जाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो सनातन धर्म में की गई साइंटिफिक बातों पे बना हुआ ये वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। नमस्कार।